हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विस्तारिक में। तो दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी का इंतजार करने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली जो है रेलवे के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी जारी कर दी गई है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जोन वाइज वैकेंसी की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है और ऑफिशियली वैकेंसी यहाँ पर असेसमेंट जारी हो चुका है। तो लेवल वाइज यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी नोटिस ओपन कर लिया है। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर लेटर जारी किया गया है 24/7/2024। देखिए लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के सामने। द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट को यहाँ पर जारी किया गया सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कैटेगरीज इंडेंट्स ऑन ORMS पोर्टल NTPC के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर इंडेंट जारी किया गया है कि मतलब टोटल जो है जोनल रेलवे वाइज जो है कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी इस तरह से खाली है। आगे दे रखा इंस्ट्रक्शंस वर इश्यूड वाइट बोर्ड जो लेटर दिया गया था RRB की तरफ से, वो 10/4/2024 और 23/4/2024 को जारी किया गया था असेसिंग वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर के लिए इंक्लूडिंग DMS और CMA नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वगैरह के लिए इस तरह से, और पैरामेडिकल कैटेगरी जोनल रेलवे वाइज और प्रोडक्शन यूनिट वाइज। आगे दे रखा है इन अकॉर्डेंस विद परसेंटेज प्रोवाइडेड इन बोर्ड्स लेटर, मतलब कि जो प्रोवाइड किया गया परसेंट है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे में इतनी आएगी 31/8/2018 और 12/12/2018 के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के अंतर्गत, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि 12th बेस पर जो वैकेंसी आती है इसके लिए दी गई है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 361 पोस्ट यहाँ पर आने वाली है, अप्रूव की गई है। CCTC मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की नॉन सेफ्टी की कैटेगरी की 1985, देखिए अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग पोस्ट है तो ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी 990 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क मतलब TC की, ये 12th बेस पर आएगी आपकी, तो यहाँ पर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आपकी 68 वैकेंसी, मतलब टोटल 3,404 वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है लेवल 2 और लेवल 3 की। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर 3,404 पोस्ट हो गई है। और इसके बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल पर आने वाली है, तो देखिए यहाँ पर लेवल 5 की गुड्स ट्रेन मैनेजर मतलब गुड्स गार्ड की है सेफ्टी कैटेगरी में 2,684 अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। स्टेशन मास्टर की सेफ्टी कैटेगरी में 963 वैकेंसी है। साथ ही साथ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देखिए ये CCCTS ये न्यू वैकेंसी जो है इसमें अप्लाई की गई है या फिर हम बोल सकते हैं अप्रूव की गई नॉन सेफ्टी कैटेगरी 1737 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये लेवल 5 की पोस्ट है, ये जो है 1371 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, 725 वैकेंसी टोटल 7479। और अगर ग्रैंड टोटल करेंगे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की तो टोटल 10,884 वैकेंसी आपकी जो है मिनिमम यहाँ पर ये आने ही वाली है। और हो सकता है कि इसमें और प्लस की जाए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो आपकी अभी 10,884 वैकेंसी तो ही आ ही जाएगी। अब डिटेल रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा जो है यहाँ पर इंक्लूज किया गया है। आगे दे रखा है फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग CBT शेल बी टेकन बाय RRB विद RRB अहमदाबाद। देखिए RRB अहमदाबाद इसका नोडल ऑफिस बनाया गया है RRB NTPC की पोस्ट के लिए, तो ये भी अच्छा खासा RRB जो है जल्दी काम करवाता है। RRB ALP का 2018 की वैकेंसी का भी इसी को नोडल एजेंसी बनाया गया था, नोडल ऑफिस बनाया गया था। अब यहाँ पर सारे जो है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को जो है जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। आगे दे रखा है देखिए यूनिट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट वगैरह और ग्रेजुएट पोस्ट, तो जोनल रेलवे वाइज आप देख सकते हैं मतलब सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर और जोन मुंबई जोन आता है, तो इसमें आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बिलासपुर में कोई वैकेंसी नहीं है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 76 पोस्ट है बिलासपुर में, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है। ट्रेन क्लर्क की कोई पोस्ट नहीं है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 48, स्टेशन मास्टर की 50 और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 80 और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो है कोई पोस्ट यहां पर नहीं है। इसके बाद सीनियर क्लर्क की कम टाइपिस्ट की 4 पोस्ट है। टोटल अगर बात करेंगे तो बिलासपुर में 259 वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, मतलब कि नागपुर डिवीजन के अंतर्गत। इसके बाद ही मुंबई डिवीजन में भी इस तरह से देख सकते हैं, तो यहां पर पोस्ट वाइज आपको वैकेंसी दे रखी है। तो टोटल अगर हम बात कर लेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं, टोटल यहां पर सेंट्रल रेलवे में मुंबई में 984 वैकेंसी है। और इसके बाद ही भुवनेश्वर की बात करेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत भुवनेश्वर की, तो टोटल जो है 500 आप इस तरह से देख सकते हैं। सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत बात करेंगे तो टोटल 1243 पोस्ट है। इसके बाद ही 535 भुवनेश्वर में और सिकंदराबाद में जो है 243, टोटल जो है 778 पोस्ट खाली है। इस तरह से जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे मुजफ्फरपुर पटना में रांची में अगर बात करेंगे
तो 80, 125 और 42 टोटल 247 पोस्ट आने वाली है। तो इस तरह आप जो है जोन वाइज देख सकते हैं, जोनल रेलवे वाइज जो है कितनी टोटल वैकेंसी है। अब ये ब्रेकअप वैकेंसी होगी कैटेगरी वाइज की, जैसे एससी की अलग, एसटी की अलग, यूआर की, ईडब्ल्यूएस और एसटी की, ओबीसी की अलग, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ग्रैंड टोटल आपकी जो है 10,000 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट ही आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, तो देखिए दोस्तों आपका जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका जो है मे बी चांस है कि आपका ये इंडेंट तो होने वाला है, तो फाइनली आपका जुलाई एंडिंग तक यह आपका इंडेंट हो जाएगा। तो मे बी चांस है कि आपका अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं एनटीपीसी वाले छात्र। तो दोस्तों बड़े ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय फ्रेंड्स।